ग्रामविकास आणि महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी शनिशिंगणापूरला भेट दिली. त्यांनी शनिदेवाला अभिषेक घालून दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी राम कदम आणि शनिशिंगणापूर देवस्थान अध्यक्ष पदाविषयी पत्रकारांशी संवाद साधला. महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी शनिशिंगणापूरला येऊन शनिदेवाला अभिषेक घालून दर्शन घेतले. यावेळी समवेत नेवासा मतदारसंघाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिले, पंकजा मुंडे यांचे पती अमित पालवे आदी यावेळी उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना पंकजा मुंडे यांनी, मी शनी महाराजांकडे प्रार्थना केली की महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी सुखी होऊ दे, पीक चांगले येऊ, त्याचबरोबर चांगला पाऊस पडला पाहिजे. आमदार राम कदम यांनी महिलांचा अपमान आणि महिलांविषयी भावना दुखवेल असा उद्देश त्यांचा नव्हता. त्यांच्याबरोबर शनिशिंगणापूर अध्यक्षपद विषयी विचारले असता तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विषय आहे असे बोलून त्या विषयावर भाष्य करणं टाळलं. आज शनि भगवान का मैंने दर्शन लिया है. यहाँ हमारे विधायक कर्डिले साहब इनके कार्यक्रम में मैं आई हूँ, तो यहाँ आई हूँ तो दर्शन भी लिया, आशीर्वाद भी लिया. हमारे दूसरे विधायक भी मुरकुटे साहब भी यहाँ पर है और पूरे जिले के दौरे पर आई हूँ. शनि भगवान से यही मांगा है कि मेरे महाराष्ट्र का किसान जो है वो सुखी रहे और बारिश अच्छी हो, लोग फसल अच्छी हो, लोगों को सुख मिले. और जो कारखाने हम चला रहे हैं किसानों के लिए, वो कारखाने बड़े मुश्किल में हैं, उनसे हम बाहर निकले. गन्ना तोड़ किसान जो हमारे मजदूर हैं वो भी उससे बाहर निकले. राम कदम को मैं बचपन से जानती हूँ. मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता है, मेरे भाई हैं वो, और मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ. किसी भी महिला का उन्होंने कभी अवमान नहीं किया या उनकी वैसी नियत नहीं है, ना वो फितरत है उनकी. जो उन्होंने शायद मैसेज देना चाहते थे वो गलत गया है और उनके बातों से शायद लोगों के मन में गलतफहमी हो गई और थोड़ी गहरी चोट महिलाओं को पहुंची है. उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है. तो मुझे लगता है उनका उद्देश्य तो गलत नहीं था, पर मैसेज गलत गया था और वो शायद उनके गलत माफ़ी मांगने से सुधर जाएगा. तो माझा विषय नहीं है, मुख्यमंत्र्यांचा विषय. शालिनी प्लस साठी राहुल कोळसे, नेवासा.